हाय एवरीवन, मैं ध्रुव पाठक आप सभी का अपने चैनल होम लॉजिका में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए ताथावड़े में एक नई लॉन्च प्रॉपर्टी का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। अगर आप ताथावड़े की सेंट्रल लोकेशन में एक रेप्यूटेड बिल्डर का एमिनिटीज से भरपूर प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर हमें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम वीडियो में अपलोड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारे पास होती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हमें मिलती है तो हम उसमें से भी आपके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार जहाँ सैंपल फ्लैट नहीं बना होता है या फिर इन्वेंट्री कम बची होती है तो ऐसे प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम अपलोड कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। अगर आज के प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यह प्रोजेक्ट ऑन BRTS रोड और हाईवे से इक्वली डिस्टेंस पर है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हम आपको वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सैंपल फ्लैट का टूर। तो आइए चलिए अब हम 2.5 BHK के सैंपल फ्लैट को देख लेते हैं। इसका टोटल कार्पेट एरिया है 930 स्क्वायर। एंट्रेंस पर आपको वीडियो डोर फोन दिया गया है। ऊपर आपको तोरण के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। हमारे सारे डोर्स बोल्टेड एजेस के रहेंगे जहाँ पर आपको ये रबर सीलिंग भी दिया गया है। आ जाइए अंदर के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। एंटर करते ही हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी जहाँ पर आप आराम से शू रैक का प्रोविजन कर सकते हैं और इसके साथ ही हमें ये इससे प्राइवेसी भी मिलती है हमारे लिविंग कम डाइनिंग रूम से। अगर लिविंग एंड डाइनिंग रूम की बात करें तो उसका टोटल कार्पेट एरिया है 17.3x11 स्क्वायर फिट। यहाँ पर आप इस तरीके से अपने एल शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं और बीच में आपका सेंटर टेबल आ जाएगा। इसी के सामने की वॉल पर आपको TV का प्रोविजन दिया गया है जहाँ पर आप अपना बड़ा सा LED इंस्टॉल कर सकते हैं। इस स्पेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप अपना डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं जहाँ पर आपका आराम से 4 या 6 सीटर डाइनिंग टेबल का भी प्रोविजन हो सकता है। इसी से लगा हुआ है हमारा फ्रेंच डोर के साथ में बालकनी स्पेस। अगर इस बालकनी की साइज की बात की जाए तो इसका टोटल कार्पेट एरिया है 10x5.6 का, जहाँ ये बालकनी आपको टोटल 3 साइड से कवर्ड भी मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको ये हर घर के साथ में तुलसी वृंदावन भी दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है विथ लेच, जहाँ पर अपना फोन या फिर कॉफी मग भी रख सकते हैं। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एंटी स्किड टाइल्स भी दिए गए हैं विथ वुडन लुक। आ जाइए आगे के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये है हमारा किचन स्पेस। इसका कारपेट साइज है 8.6x9 फिट का, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक स्लैब दिया गया है ग्रेनाइट टॉप का और यहाँ पर आपका वेजिटेबल वॉशिंग सिंक भी दिया गया है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए गए हैं अपने गैजेट्स के लिए और यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट दिया गया है माइक्रोवेव ओवन के लिए। इस तरफ आपका वाटर प्यूरीफायर आएगा और ऊपर आपको गैस लीक डिटेक्टर भी दिया गया है। इसके साथ ही लगी हुई है हमारी ड्राई बालकनी जहाँ पर आपको बड़ी सी सिंक मिलती है फॉर डिश वॉशिंग। यहाँ पर आप अपने डिश वॉशिंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको हाइजीन तो मिलता ही है, साथ में आपका कुकिंग में किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता। इस ड्राई बालकनी का साइज़ है 7.8x4.1 का। इस तरफ आपका वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न आएगा और ऊपर आपको इन्वर्टर के लिए भी प्रोविज़न दिया हुआ है। आप चाहें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अपना एक स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। आ जाइए, ये है हमारा स्टूडियो स्पेस 4.2x5.1 का। इसको आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर पूजा घर बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्टोरेज यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर जैसा आपको ठीक लगे। ये स्पेस आपका रेफ्रिजरेटर प्रोविज़न के लिए दिया गया है। आ जाइए आगे के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। दिस इज़ आवर स्टडी कम किड्स बेडरूम, जहाँ पर आपको वार्डरोब के लिए बड़ा सा स्पेस दिया गया है जिससे आपको पूरा रूम पूरे तरीके से यूज़ करने को मिलता है। यहाँ पर आपको विंडो के साथ में एक सिटिंग लेज भी दिया गया है जहाँ पर आप बैठ के अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसका साइज है 8.6x12.6 का। आ जाइए, दिस इज अवर कॉमन वॉशरूम 4.1x7.0 स्क्वायर फिट का, जहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर मोशन सेंसर दिए गए हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर जो वॉश बेसिन देख रहे हैं इसको आप चाहें तो ये बाहर के स्पेस पे यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। साथ में हमको दिया गया है वाटर क्लोजेट एंड उसी से लगा हुआ है हमारा बेडिंग एरिया। टाइल्स की क्वालिटी भी अगर हम देखें तो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहे हैं, चाहे वो वॉल टाइल्स हों या फिर हमारे फ्लोर टाइल्स हों। आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। इसका साइज़ है 12.6x10 स्क्वायर फिट।
यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपना बेड का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगी हुई हमें विंडो मिलती है जहाँ पर आपको सिटिंग लेज भी दिया गया है एंड फॉर क्रॉस वेंटिलेशन हमको एक एडिशनल विंडो भी दी गई है। यहाँ पर भी हमको एक नीश स्पेस दिया गया है जिससे हम अपने रूम को फुली तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आ जाइए। नाउ दिस इज अवर मास्टर बेडरूम जहाँ पर आपको वुडन लुक लाइक टाइल्स दिए गए हैं एंड इस मास्टर बेडरूम का साइज है 11x13.5। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है आपका ये मास्टर बेडरूम एंड इस तरफ कुछ आपका बेड आएगा। सामने आपको यहाँ पर एक जूलियट बालकनी दी गई है 7x3 feet की जहाँ पर आपको नॉर्मल बालकनी के जैसे ही चार्जिंग पॉइंट दिया गया है एंड एक लेज भी आपको दिया गया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक एडिशनल विंडो भी दी गई है फॉर योर क्रॉस वेंटिलेशन। आइए अब देख लेते हैं अपने मास्टर वॉशरूम को जहाँ पर आपको मोशन सेंसर भी दिया गया है एंड साथ ही आप टाइल्स की क्वालिटी भी देख सकते हैं। काफ़ी बड़े और काफ़ी एलिगेंट लुकिंग टाइल्स हमको मिलते हैं, चाहे हम वॉल टाइल्स की बात करें या फिर फ्लोर टाइल्स की। फ्लोर टाइल्स हमारे एंटीस्किड रहेंगे। वॉश बेसिन में भी हमको एक लेज दिया गया है जहाँ पर आप अपने टॉयलेटरीज वगैरह असॉर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये सैम्पल फ्लैट का टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये टूर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें कमेंट करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट के डिटेल्स की बात करें तो यह प्रोजेक्ट टोटल 5 acres के लैंड पार्सल में 7 towers के साथ 16 floors में डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट का पोजीशन डेट रहेगा May 25, बट रेरा डेट इज November 25। प्रोजेक्ट के एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 50+ एमिनिटीज़ दी जा रही हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट, रूफ टॉप एमिनिटीज़ के साथ में आपको ढेर सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जनरेटर पावर बैकअप भी दिया जा रहा है आपके मास्टर बेडरूम में, आपके किचन में और आपके लिविंग कम डाइनिंग एरिया में। अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 50+ एमिनिटीज़ मिलती हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, डुअल क्लब हाउस, स्पोर्ट्स अरीना, रूफ टॉप एमिनिटीज़, मूवी थिएटर, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट, रेंटल असिस्टेंस के साथ में 50+ एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर दी जाएंगी। अगर कन्फिग्रेशन और प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 BHK में 2 variants मिलते हैं जिसका कारपेट एरिया है 754 एंड 774 एंड इनका प्राइसिंग रहेगा 66 to 69 lakhs ऑल इंक्लूसिव। वहीं 2.5 BHK का कारपेट एरिया है 930 square feet जिसका प्राइसिंग रहेगा 81 to 84 lakhs ऑल इंक्लूसिव। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।